मैक्सिलर जाने के लिए अरे फिर एक मजा करेंगे मजा करेंगे तो सूट के लड़ाना पड़ेगा तो उसके बाद मजा करेंगे। This is how my beautiful morning starts. जब जब स्कायो ये कर देती है तो उसको उसमें से नहाने लेके चले जाता हूँ और अच्छा सुबह से उसका नहाना भी हो जाता है और नहाने के बाद उसका टब में खेलना होता है तो उसको टब में पानी भर देते हैं। शी लव्स प्लेइंग विद वाटर। शानिस बोलती है वाटर बेबी है। मैं बोला होल्ड ऑन योर हॉर्सेस, पहले उसको बीच में जाने दो, पानी को एंजॉय करने दो। बिकॉज ये जो घर का पानी आता है ये क्लीन पानी होता है, बीच का पानी खारा पानी होता है, तो वाटर पे भी बनेगी नहीं बनेगी वो तो वक्त बताएगा। वेल वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अरे कमाल करते हो पंडित जी, मैंने कैमरा इसलिए उठाया था, मैं चलो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाहर मौसम इतना अच्छा है, धूप निकली हुई, बोलेंगे वह अपने को तो एक दो दिन बचे हुए हैं और धूप निकल रही है, ऐसे मौसम रहे। लेकिन जैसे मैंने कैमरा सेटअप किया, व्लॉग करना शुरू किया, ये क्या हो गया भाई साहब, ये तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और बादल आके वर्षा भी गिरने लग गई। हमारी बच्ची सही टाइम पे सो गई है, पूरी ट्रैफिक सोएगी अच्छे से और बाहर तगड़ी वाली बारिश हो रही जैसे कि आपने देखा। एंड फाइनली आज वो दिन आ गया है, फाइनली वो दिन आ गया है। मुझे पता थोड़ा लेट हूं मैं, लेकिन अभी क्या करें, टिकट ही हम लोग आईमैक्स की ऐसी मिली कि आज हम लोग ओपनहाइमर देखने जा रहे हैं। कल यानी यस्टरडे हम लोग का बारबी देखने का भी प्लान था, लेकिन अभी शैनिस ने बोला मुझे बैग लेना है, तो उसके लिए बैग ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसके लिए हमने इसका बैग ले लिया, बारबी नहीं देखी और अभी टाइम नहीं बचा हमारे पास। हाँ वैसे बारहवीं का क्या है, थिएटर में देखे देखे नहीं देखे तो सीधा अपन जब ओटीटी में आएगी तभी देख लेंगे। ओपनहाइमर जैसी मूवी थोड़ा थिएटर में देखने लायक है, बट आई एम हियरिंग सम ग्रेट न्यूज अबाउट बारहवीं कि उसमें अच्छा मैसेज है। अब वो क्या मैसेज है मेरे को नहीं मालूम, बट आई एम एक्साइटेड फॉर ओपनहाइमर। एंड हाँ अभी तो सब कुछ पता चल गया है कि उसमें जो धड़ाम धड़ाम धुड़ुम ज्यादा है नहीं, इज मोस्टली साइकोलॉजिकल ड्रामा कि ओपनहाइमर के दिमाग में क्या था, व्हाई ही रेड भगवद गीता एंड ऑल दैट और बम बनाने के पीछे मतलब कितना ट्रॉमा हुआ, तो वो सब मूवी जो है आज आपने को पता है अपन विटनेस करने जा रहे हैं। पहले दिन शायद जाते हो दूसरे एक्सपेक्टेशन से जाते हैं, अभी जा रहा हूँ दूसरे एक्सपेक्टेशन से जा रहा हूँ, फिलहाल बारिश को डील करके निकलता हूँ। और देखो ये गया ऊपर जिसमें मैं अपना मोबाइल फोन माउंट करता हूँ, बहुत अच्छा रहता है राइड करते रहे, बिकॉज कैमरा पूरे टाइम ऐसे होल्ड करता हूँ तो कैमरे पे भी ध्यान देना पड़ता है, कोई को पैसेंजर बैठा है तो कैमरे में भी लगता है, तो इसके लिए मोबाइल यहाँ लगता है। मुझे पता है गाड़ी के अंदर थोड़ा क्वालिटी थोड़ा गिर जाता है, बट इट्स बेटर की टू शूट अ वीडियो विद लो क्वालिटी देन नॉट टू शूट अ वीडियो एट ऑल। कुछ है ना ब्रांच वांच टाइप नहीं है ना बड़ा, आजकल मुंबई में सड़क पे गाड़ी खड़ी करने के पहले ऊपर देखना पड़ता है कि कोई ऐसा लूज ब्रांच चीज तो नहीं जो आपके ऊपर गिर सकती है, मतलब गाड़ी के ऊपर गिर सकती है, स्पेशली जब आप नहीं हो हवा आएगी। दिख रहा है सब ये झाड़ वाड़े से। इट्स बीन वेरी वेरी लॉन्ग, जब मैं और शानिस लास्ट थाईलैंड गए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 2017 में गया था, एंड मुझे कुछ याद नहीं था कि वीज़ा वीज़ा का क्या पैसा दिया था हमने, हमने आई थिंक वीज़ा ऑन अराइवल ही लिया था। अभी जस्ट चेक कर रहा था वीज़ा ऑन अराइवल, शायद 2000 भात है ना, 2400 भात है पर पर्सन वीज़ा ऑन अराइवल, इतना महंगा है, मतलब क्लोज टू 5000 रुपीज पर पर्सन। हमको 6 लोग का लेना है, स्काई का अपडेट ऑफिस नहीं लेना है, मैक्सिलर जाने के लिए। अरे फिर एक मजा करेंगे मजा करेंगे तो सूट के लड़ाना पड़ेगा सबका, उसके बाद मजा करेंगे है ना। मेरी मम्मी बहुत डर रही है, नहीं नहीं वो बोला टेंशन नहीं साहब। अरे क्या मैं तो इतना खुश हूँ ना, मेरे सूटकेस देख के मेरी मम्मी ने भी सूटकेस पैक कर लिया, मजा आ रहा है ना। सुबह 5 बजे निकलना पड़ेगा ना, ये गए सुबह 5 बजे निकलना पड़ेगा तो थोड़ा दुविधा हो जाएगी। 5:30 के भी निकलते अभी चलेगा आधे घंटे में नहीं, बट जल्दी निकलेंगे बेटर है, एयरपोर्ट पे भी थोड़ा खाएंगे वाएंगे ना। अभी कॉफ़ी पी, समोसा और कॉफ़ी अभी मिलेगा नहीं हमको शायद थाईलैंड में, मिलेगा एक्चुअली ये क्वालिटी का नहीं मिलेगा। बाय स्काय मम्मा, इट इज गोइंग फॉर 3.5 आवर्स बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग मूवी आई हर्ड, तो बहुत लेट हो जाएगा, पता नहीं शायद व्लॉग डाल भी नहीं पाऊँ मैं 9:30 को, बिकॉज अभी हम लोग काफ़ी लिखो, इट्स 10:45, पूरा दिन पैकिंग किया, मम्मी को मिला, सब काम वाम खत्म किया। हो भाई साहब अभी जब जाएंगे तो चला जाएगी, बाय बाय बेटा, सी यू इन 4 आवर्स। सॉलिड बारिश में मूवी देखने जा रहे हैं, हम लोग को लगा था मस्त जाएंगे अंडरग्राउंड पार्किंग में, लेकिन थैंक गॉड मेरे पास छाता है गाड़ी में, तो फटक से खोल के भाई बारिश इतनी अभी तेज आनी थी यार। थैंक गॉड रखा है भाई साहब रखा है, बच गए। ठीक है भाई ये कौन सा टाइम है तेज हवा के साथ बारिश आने का, एक घोड़ा पहले शाम इसको निकालता हूँ भाई। पार्किंग में मॉल फुल है, इतना क्या है भाई, संडे को लगता है बारिश में समझ में नहीं आता, भीग गया ना छुट्टी में पानी गया ना, और एक गाड़ी वाला ऑलमोस्ट शानिस को ठोक दिया था। चलो आप सर 11:10 अभी 11:07 हुए, कभी कभी टाइम पे मूवी चालू होती है वरना आधे घंटे बाद। नहीं नहीं नहीं
देखते हैं अभी बहुत सारा स्पॉन्सर है, बोल नहीं सकते। हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। चलो भाई, नो एरेटेड ड्रिंक्स फॉर मी फ्रॉम नाउ, ओनली वाटर। रात के 2:30 बजे मूवी, अरे यार इसको भी अभी काम। रात के 2:30 बजे मूवी खत्म हुई, ये देखो पूरा फूड कोर्ट खाली है। मूवी इज ब्रिलियंट, इट्स सो गुड। लाइक एक ऐसी मूवी ना, आपको हर एक चीज सुननी पड़ेगी, पूरा थिएटर शांत था, सब लोग सुन रहे थे। हाँ, how it has like the reality of achievements, हाँ so great, it's amazing and the way it ends, it's goosebump. And to be very honest, आपको ऐसी सब मूवी थिएटर में इसलिए देखनी चाहिए बिकॉज 3 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ये OTT में आएगी, आप TV में देखोगे आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, फोन में जाओगे, थिएटर में आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहता है। अगर आप थोड़ा सा साइकोटिक दिमाग रखते हो ना, तो आपको ये मूवी में ओपनहाइमर के साथ एग्जैक्टली दिमाग में क्या चल रहा है ना, ये रिलेट करोगे। मैं और शानी जब इंटरव्यू लो तो हम डिस्कस कर रहे थे, और एंडिंग तो एंडिंग सो ब्यूटीफुल, वो आइंस्टाइन और कॉन्वर्सेशन इज सो गुड। देखो अगर आपने नहीं देखा तो, प्रीटी श्योर ज़्यादा के लोगों ने देख लिया होगा, अपने व्यूअर स्मार्ट है, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखो, है ना। काफ़ी जूम्ड इन हो गया बिकॉज पूरी मूवी आपको ऐसी दिखेगी 85 mm में, थोड़ा फोकस छूटेगा, थोड़ा आएगा, वो तो लोग जानबूझ के इंटेंशनली करते हैं बिकॉज आपका पूरा जो दिमाग है घुस जाए। जब आप इस तरह को, अभी मैं आपसे इस तरह बात कर रहा हूँ, आपके पास और कुछ भी ऑप्शन नहीं है। पहले मैं बहुत करता था, पूरा जूम्ड इन करता था अपने फेस पे जब भी मुझे कुछ बात बोलनी होती थी, लेकिन अभी वाइड एंगल इज बेटर बिकॉज व्हेन यू आर वॉकिंग समथिंग यू वांट टू लुक हियर एंड देन, एंड लोगों को भी देखना होता है, चीज़ों को भी देखना होता है। मगर जब इस तरह का लेंस 85 mm या पूरा जूम्ड इन होता है, तब आप सब्जेक्ट पे ही फोकस करते हो, मतलब मैं हो गया सब्जेक्ट और मेरी बातें ही सुनते हो। मुझे बहुत पसंद आ, लाइक मुझे अगर 2017-16 में लेंस मिल जाता, मैं तो पूरा टाइम इससे ही शूट करता। लुक इट द क्वालिटी मैन, मैं अभी सो के उठाऊँ पूरा क्रीम वीम लगा के करके, मेरा फेस पूरा ऐसा अजीब चिपू चिपू दिख रहा है। कल रात को आते आते हमको 4 बज गए, सोते हो 4:30 बज गए बिकॉज स्काई थोड़ा नाटक करती घर में आने के बाद, और इसके लिए हम लोग लेट उठे और इसके लिए व्लॉग जो है लेट आया, लेकिन मैंने स्किप नहीं किया बिकॉज आज जो हमारा पूरा कंटेंट शूट होगा वो अलग है, इसके ये व्लॉग में जो है पूरा अलग होगा, तो मैंने उसको खिचड़ी नहीं बनाने। बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई, हम लोग जब पहुंचे तो मूवी जस्ट शुरू हुई थी, मतलब उसके पहले जो भी तामझाम होता है, जो ट्रेलर एड्स आते हैं वो सरप्राइजिंगली आए ना, इसके पहले जो हम लोग मिशन इम्पॉसिबल देखने गए थे, आधा घंटे तक ऐड चले थे। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आता मुद्दे पे आता हूँ। तो मूवी चालू, हम लोग खुश हो गए, मैंने शानस को बोला था कि अभी जो एड्स नहीं आया ना, सारा इंटरवल में आएंगे, और जब इंटरवल हुआ तो बाकायदा 20 मिनट तक सिर्फ एड्स चल रहे थे। वो चलो ऐड चल रहे थे अलग बात है, आई थिंक ट्रेलर एक को तो ब्लू बीटल का आया, इंग्लिश मूवी ठीक है, और दूसरा आया जवान मूवी का। जवान, अभी देखो आपका माइंडसेट कैसा था ओपनहाइमर में, जवान मूवी आई एम प्रीटी श्योर अमेजिंग होगी, वो कॉन्सेप्ट अलग है, मास मूवी है, लेकिन जैसे ही वो आया ना, लाइक आपका माइंड क्या है, आपका माइंड है ओपनहाइमर जैसी मूवी देखने का, ठीक है। आपको पता है वहाँ पर इंटरवल होता नहीं है, अब्रप्टली लोग बीच में खत्म कर देते हैं, जब इंटरवल करते हैं आपका माइंड उधर चल रहा है एकदम साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी में। एंड देन पठान का जब ट्रेलर आया ना, सॉरी जवान का जब ट्रेलर आया था, पब्लिक में लाइक अरे ये यू नॉट रेडी। अभी आप सेम अगर जवान मूवी देख रहे होगे और ओपन हाइमर का ट्रेलर आया, तो आपका माइंड जो है ना वो एकदम रेडी नहीं रहता। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये तो बड़ा बड़ा ट्रेलर होता है और ये मूवीज़ होती है, इमेजिन करो आप स्वाइप अप करते हो राइट, तो अभी आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ देखते हो, मान लो बॉडी बिल्डिंग देख रहे हो, डांस देख रहे हो या फिर कॉमेडी देख रहे हो, तो ये एल्गोरिदम आपका माइंड पकड़ता है। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग देख रहे हो कंटिन्यूसली, या फिर आप कुछ डांस वीडियो देख रहे हो और आपको कुछ भी ऐसा सीरियस चीज़ आती है, तो आप स्किप करते हो राइट, बिकॉज आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं करता। बट कभी कभी आप वही चीज़ देखते रहते हो, इसके वजह से आपका अटेंशन स्पैन गिरता है। मैं शानिस को बोल रहा था, देख अभी हमने 3 घंटा यह मूवी देखी, हमने अपना फ़ोन नहीं देखा, सिविलली जब मैं यूएस कनाडा गया था मैंने अपना फ़ोन नहीं देखा। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग भी वही करो कि एक डिसिप्लिन बनाओ कि मैं इतना घंटा ही फ़ोन यूज़ करूँगा फॉर रील्स एंड शॉर्ट्स। आई नो मेरा ही काम है, हम अपने पेट पर लात मारने वाला काम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मेरा काम है एज अ क्रिएटर और व्हाटएवर इन्फ्लुएंसर कि आप तक सही मैसेज पहुँचाऊँ, कि कोशिश करो कि लिमिट कर दो अपना शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट कंज्यूम करना। लॉन्ग वीडियो देख रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड नॉट व्लॉग स्पेसिफिकली, आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, बट ओपनहाइमर देख सकते हो, बट शाहरुख खान डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, बट कोशिश करो कि लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट देखो, बिकॉज शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट जितना देखोगे ना आपका अटेंशन स्पैन गिर जाएगा। बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू देखा मैंने चेतन भगत का संदीप महेश्वरी जी के साथ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, चुम्मा है और बहुत कुछ समझने सीखने को मिलता है। लव दिस काइंड ऑफ वीडियो जिसमें आप जब वीडियो खत्म करो तो आपके दिमाग में कुछ नॉलेज आया,
एनीवेज गाइस ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। आपके दिमाग में कुछ भी नॉलेज आया, कुछ भी अच्छा लगा, लाइक का बटन दबाओ, नए सब्सक्राइब करो। विद दिस एज ऑलवेज शुक्रान विद द मासाला, टेक केयर एंड टू वर्ड एवरीवन लवली फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू शेयर टेक केयर, बाय बाय। बाय द टाइम यू वाचिंग दिस वीडियो पूरा हमारा हड़बड़ी रहेगी अभी, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सोने वाले, सीधा निकलना है हम लोगों को।